वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम एप्स को यूज करते हैं और आपने इंस्टाग्राम एप्स में एक से अधिक आईडी को बना के रखा है और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक आईडी को या दोनों या तीन आईडी, जितने भी आईडी को आप बना रखे हैं सारे को लॉग आउट करना है तो आप किस तरह से लॉग आउट कीजिएगा, तो फ्रेंड्स उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूं। अगर आप इंस्टाग्राम में एक से अधिक आईडी को बनाना नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल में आके वीडियो को देखकर आसानी से बना सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम में एक से अधिक आईडी को किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो इंस्टाग्राम को जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे जो प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे ही टच किया यहाँ पे मेरा जो दो आईडी है वो दो आईडी यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। तो इसमें से अगर आप किसी एक आईडी को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको उस वाले आईडी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यह मेरा दो आईडी बना हुआ तो मैं यहाँ पे किसी एक आईडी को लॉग आउट करूंगा तो उस आईडी को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस वाले आईडी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं मेरा जो दूसरा आईडी है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको राइट साइड में जो थ्री लाइन देखने के लिए मिल रहा है ये थ्री लाइन पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहां पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है सेटिंग। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे जैसे आइएगा आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि लॉग आउट आपका जो आईडी है वो दिखेगा या लॉग आउट ऑल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप दोनों आईडी को भी लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉग आउट ऑल अकाउंट्स को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हमको एक आईडी को लॉग आउट करना, तो यहाँ पे लॉग आउट जो आईडी है उस वाले आईडी पे आपको टच करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज सामने आ जाएगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है लॉग आउट ऑफ इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉग आउट का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये लॉग आउट वाले ऑप्शन पे टच करना है। तो चलिए हम लोग टच करते हैं। जैसे ही टच करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं मेरा जो सेकेंड वाला आईडी था वो लॉग आउट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप इंस्टाग्राम में एक से अधिक आईडी को बना के रखे हैं और अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।